नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार यादव आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेके जो विचाराधीन मामला माननीय हाईकोर्ट में चल रहा है उससे संबंधित एक आज खास न्यूज है। खास न्यूज ये है कि जो एक फाइल एक महीने पहले हमने करवाया था मंजू पांडे एंड 77 अदर्स के नाम, ठीक है, उस फाइल को मतलब आज रजिस्ट्रेशन हो गया है और रेट नंबर भी मिल गया है। तो एक उम्मीद है जगी है कि 3 से 4 दिन में डेट होगी, फर्स्ट हियरिंग होगी और फर्स्ट हियरिंग में देखते हैं क्या होता है। और जैसे यूपी टेट का मामला बहुत ज़्यादा दिन हो गए, आज 7-8 महीने हो गए और जिस वजह से समस्याएं तो बढ़ती ही चली जा रही हैं। खैर जैसे भी हो, हमारा इरादा ही था कि यूपी टेट के मामले को हम लोग नई फाइलें करके और जो नीचे दबी पड़ी है उस मामले को थोड़ा तुल पकड़ाया जाए, उठाया जाए और ये मामला अब धीरे धीरे, ये एक उम्मीद जगी है कि हाँ इसमें होगा। क्योंकि जो यूपी टेट का मामला है आज 8 महीने से विचाराधीन पड़ा है और इसमें जितनी भी नई फाइलें होती जा रही हैं उसमें फर्स्ट हियरिंग तो होना ही है और जो मेन लिस्टेड है मतलब कि लीडिंग पिटीशन जो फाइल है वो मेरे नाम है और वो पिटीशन के लिए अभी डेट कोई नहीं फिक्स हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उस पर कोई डेट मिले। और अगर ये डेट लगती है, ठीक है, 3 से 4 या 5 दिन के अंदर लग जाएगा तो डेट मिलने के बाद इस पर देखते हैं सुनवाई में क्या होता है। और हमारे वकील साहब तैयार भी हैं कि मामला को जिस दिन भी डेट लगे बहस होगी उस पर और सारे प्रश्नों पे भी बहस करने की कोशिश की जाएगी ताकि जो एथेंटिक क्वेश्चन है उन पे नंबर बढ़े, जैसे कि कॉमन नंबर, ठीक है, कॉमन नंबर पे तो नंबर से और बढ़ने चाहिए। और जो रैंक क्वेश्चन के लिए मामला है, सरसों, थारू, रेंडियार, 356, इन सब ऐसे सब क्वेश्चन है ना कि इस पे नंबर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर अच्छे तरीके से बहस हो जाए, अच्छे तरीके से अगर कोर्ट ऑब्जर्व करे कि हाँ भाई कैसे क्या मामला है, अगर हवा हवाई में ना टाला जाए तो हमें उम्मीद है कि इसमें 2 से कम नंबर नहीं मिलेगा आपको रैंक क्वेश्चन से, ठीक है, और 2 आपके कॉमन हो जाएंगे। मतलब एक 3 से 4 नंबर का माहौल बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है और जितने भी भाई बहन 3 से 4 नंबर तक फेल हैं एक आशा की किरण जग रही है कि आप सभी लोग और हम सभी लोग पास होंगे। और देखिए जो कॉमन नंबर को लेके मामला है, पीएनपी आयोग, ये मामला सबको पता है कि कॉमन नंबर जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें दो ऑप्शन को सही हम नहीं मान सकते हैं, इस पर ऑब्जेक्शन तो होगा ही, सिंपल। अब कोर्ट में हर बार ये मामला चला जाता है यूपी टेट का और दूसरे में पीएनपी आयोग के तरफ से ये गलतियां हर साल होती हैं, कोई एक बार की नहीं है कि इस बार हुई अगली बार नहीं होगी, हर बार होती है और समझ में नहीं आता ऐसा किया क्यों जाता है। जैसे कि अगर पेपर में साफ लिखा होता है कि भाई आप एक गोले पे ही टिक लगाएंगे, ठीक है, जब हम एग्ज़ाम देते हैं एक गोले पे टिक लगा के आते हैं, जब प्रश्न गलत निकलता है तो आयोग की तरफ से आदेश आता है भैया आप 2 गोले मान लो, अब ये कौन सा तरीका है। मतलब कोर्ट से हमें उस पर कॉमन नंबर चाहिए, ठीक है, और हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना और जो रैंक क्वेश्चन है उस पर हमें नंबर मिल जाए, बाकी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। और यहाँ हम खड़े हैं तो बिल्कुल कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, हक की लड़ाई है, लड़ेंगे, पीछे नहीं हटना है। वैसे भी बेरोज़गारी का आलम तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि बेरोज़गारी का आलम यह है कि सरकार बेरोज़गारों के प्रति बिल्कुल ही लापरवाह होती चली जा रही है। तो अगर बेरोज़गार ऐसे ही फंसे रहे, पड़े रहे तो देश में इतना बेरोज़गारी तो ऑलरेडी फैला हुआ है और आज भी देख लो आप कितनी बेरोज़गारी है। सही मायने में कहें तो हम लोग भी बेरोज़गार ही तो हैं, इतने उम्र के हो गए आज तक हम लोग पढ़े हैं, ऊपर से सरकार का फैसला सुनने में आ रहा है कि 50 वर्ष तक आप रिटायर भी हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अगर 50 वर्ष तक हम रिटायर हो जाते हैं तो 30 वर्ष तो उम्र ऐसे हम लोगों की हो गई और 20 वर्ष बच्चा, 20 वर्ष में लड़ाई लड़ते लड़ते पता नहीं कब तक वो वैकेंसी आएगी, जब वैकेंसी हमें ज्वाइनिंग करते करते ऐसा ना हो कि 3-4 साल 5 साल निकल जाए, अगला चुनाव आ जाए तो फिर बचेगा हमारे पास 15-16 साल। मतलब इतने साल गंवाने के बाद 14-15 साल या 16 साल हम नौकरी करेंगे, उसमें क्या होगा। मतलब देश बिल्कुल ही गरीब होता जा रहा है और बिल्कुल शिक्षित तरीके से गरीब हो रहा है। आप कहेंगे शिक्षित कैसे, तो शिक्षित यही तरीका है, जैसे हम लोग शिक्षित हैं फिर भी कोई नौकरी नहीं है, बेरोज़गारी है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, फिर जो भी मामला आता है वो कोर्ट में विचाराधीन रहता है, रीज़न क्या है, जानबूझ के कोर्ट में फंसा दिया जाता है। तो
अब ये सब मामला देखिए, जब अगर रैंक क्वेश्चन नहीं बनता तो मामला कोर्ट में नहीं जाता, तो हम अपने तरफ से यही कोशिश करें कि मामला जितना जल्दी से जल्दी हो सके मामला सेटल हो, और सेटल होने के बाद नंबर हम सबका बढ़ जाए तो फिर सरकार के तरफ से वैकेंसी आ जाए, वैकेंसी आए और हम सबका भला हो सके। अब इसमें देखिए एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, जैसे एक भाई साहब फ़ोन किए थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब एक न्यू फाइल आप करवा रहे हैं। मैंने बोला हाँ भाई, और लड़के हैं वो लोग बोल रहे हैं कि सर हमें जुड़ना है कोर्ट से, तो वह ठीक है चलिए जुड़ जाइए। तो उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था कि जनरल आर्डर हम करवाएंगे। भाई मैंने कहा था मैं जनरल आर्डर के लिए ही लड़ रहा हूँ, मेरा प्रेयर भी है जनरल आर्डर के लिए, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब कोर्ट कोर्ट किसी के घर की चीज़ नहीं है, माननीय हाई कोर्ट सर्वोपरि है, वो जो आर्डर आएगा वही सर्वमान्य है, ठीक है। मैं तो जनरल आर्डर की कोशिश कर रहा हूँ कि जनरल आर्डर आए और कोर्ट के भी तरफ से जनरल आर्डर ही आना चाहिए, ताकि जितने भी लोग हैं पास हो सकें। और बाय द वे कभी कभी किसी मामले में ऐसा हो जाता है कि कोर्ट का आर्डर सिर्फ याचियों के प्रति आ जाता है, याचियों के लिए आता है, तो वहाँ समस्या खड़ी हो जाती है। जो लोग याची जो कोर्ट से जुड़े होते हैं उनका नंबर बढ़ता है, जो नहीं जुड़े होते हैं उनका नहीं बढ़ता है। तो मैंने उनका कहना था कि आपने कहा था फिर क्यों ऐसा कर रहे हो, अरे भाई इसमें अब मेरा क्या दोष है। अब लो मैंने कह दिया कि मैं सबके भले के लिए लड़ रहा हूँ, तो अब इसमें भी मैं दोषी हूँ। चलो ठीक है, मैं सीधा सीधा एक बात बताता हूँ, याची बनी जाती है अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। अगर मैं याची बना हूँ तो कोर्ट से अगर आर्डर चाहे जनरल आए और आर्डर चाहे याची को आए, दोनों कंडीशन में मुझे फायदा होगा। अगर मैं याची नहीं बनता हूँ तो एक कंडीशन में मुझे वेट करना होगा जनरल आर्डर, अगर बाई दे जनरल आर्डर नहीं आया तो मैं नहीं पास हो पाऊंगा। तो ये चीज़ सब पे फॉलो करती है, और आप लोग भी ध्यान से समझो और सुनो। आप लोग ना बड़े बचपने की जैसे बातें कोई कोई कर लेता है, तो भाई जो लोग बचपना जैसे बातें करते हैं ना, शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो इतना भी नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं है, ठीक। तो अच्छे अपने भले बुरे की बातें तो आप लोग सोच ही सकते हो, याची बनना है तो आप लोग बन सकते हैं, कोर्ट में जाके आप लोग जुड़िए, कोर्ट से जुड़ें, जुड़ेंगे तो इससे केस भी मजबूत होगा और केस में सहयोग भी होगा और आप लोग सेफ हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग हमें दोष दें, कोर्ट को दोष दें, अब इससे नहीं चलेगा भाई। हाँ एक न्यू फाइल होने वाली है, लोग जुड़ रहे हैं और मैं जल्दी ही करवाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि एक फाइल जो हुई थी मंजू पांडे एंड 77, तो इसमें रिट नंबर मिल गया है और 3-4 दिनों में केस केस पे डेट मिलने वाली है। तो जो नई फाइल हम फिर से करवाने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ भाई बहन जुड़ रहे हैं, तो मैं करवाने जा रहा हूँ, और जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो फटाफट आएँ और जुड़ जाएँ। और आपके जुड़ने से यही फायदा होगा कि आप लोग सेफ हो जाएंगे, जो कोर्ट का आर्डर चाहे जो आए वो सर्वमान्य रहेगा और हम सेफ भी रहेंगे, ठीक। तो आप लोग हमारा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, 87 26 26 53 76। मैं फिर से नंबर रिपीट कर देता हूँ, 87 26 26 53 76। तो आप लोग मेरे नंबर पे फ़ोन कम से कम करें, ठीक है। आप लोग अगर व्हाट्सएप कर देंगे ना, व्हाट्सएप तो जो भी मैटर आपका है, मेरा नंबर लीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप पे मैं आपको श्योर रिप्लाई दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, लेकिन जैसे लोग बार बार फ़ोन कर लें थोड़ा डिस्टर्ब मामला हो जाता है, ठीक है। फ़ोन भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामले में अगर आप व्हाट्सएप करें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये फाइल हम जल्दी ही करवाने वाले हैं, मतलब और 1-2 दिन हम देखेंगे, जो जो पैसा देना चाहते हैं और डॉक्यूमेंट्स देना ला के यहाँ कोर्ट में जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ जाएँ, और इसके बाद हम लोग फाइल करवा देंगे एक और फाइल। और सभी लोग अपने, मतलब हमारी पूरी कोशिश है कि केस पे फोकस किया जाए और इसमें नंबर बढ़े। तो इसके आगे जो भी मामला आएगा हम आपको ऑडियो या वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।